खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां घर में चोरी के संदेह को लेकर थाना प्रभारी के नौकरानी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामला माधव नगर का बताया जा रहा है और जानकारी के अनुसार ये चोरी की घटना थानदरिया में पदस्थ थाना प्रभारी सिद्धार्थ रॉय के घर पर हुई। उन्होंने उनके घर में काम करने वाली नौकरानी पर चोरी के संदेह को लेकर दरोगा माधव नगर थाने में मारपीट की। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी सिद्धार्थ रॉय उमरिया थाने में पदस्थ हैं, लेकिन इन्होंने दरोगा माधवनगर में जाकर महिला को हवालात में बंद कर उसके साथ मारपीट की है। उन्होंने महिला पर 4 लाख रुपए और 2 सोने की चेन चुराने का आरोप लगाया है। इस पूरी घटना के बाद महिला ने माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई और चोट लगने के बाद पीड़ित महिला का बयान सामने आया। ये कटनी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक महिला के साथ मारपीट करने का ये बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चोरी के संदेह के चलते हुए ये मारपीट की गई है और ये पूरा मामला माधव नगर का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये चोरी की घटना थाना उमरिया में पदस्थ थाना प्रभारी सिद्धार्थ रॉय के घर पर हुई। उन्होंने साफ तौर पर महिला पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 4 लाख रुपए की चोरी की है और 2 सोने की चेन चुराई है। साथ ही आपको बता दें कि उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया और उनके साथ थाने में ले जाकर मारपीट की गई। वहीं महिला का भी बयान सामने आया है। ये पूरा मामला कटनी से आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरी के संदेह के चलते ये महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है, जिसके बाद महिला का भी अब बयान सामने आया है। मेरे साथ में घटना ये घटी कि चोरी सिद्धार्थ रॉय के घर पर ये चोरी का पूरा मामला। तो थाने में बुलाया गया, पूछ जांच हुई मेरे, फिर बोले नहीं बताएगी चोरी की है। मैं बोली नहीं की हूँ। बोले इसको अंदर ले चलो, इसको मारेंगे जब ये बताएगी। मेरे को बांध के पैरों में मारे हैं, चेहरे में मारे हैं, ये कान आन में सुनाता भी नहीं है मेरा। किसके द्वारा मारे? सिद्धांत सर के द्वारा। और सिद्धांत सर ने मारा है मेरे को। ये माधवनगर थाने पर आगे रहते, तीसरे नंबर की बिल्डिंग में। ये मेरे को संडे को मारी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाहिद, जिस तरीके से ये कटनी से मामला सामने आया है कि चोरी के संदेह के चलते एक महिला के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई है, इस मामले में क्या कुछ अभी अपडेट सामने आए हैं? बताना चाहेंगे, ये घटना जो घटी है माधव थाने के जो सर्वेंट क्वार्टर होते हैं उसमें का मामला है। एक माधव थाने के अंदर वो एक महिला के ऊपर चोरी का आरोप लगा है, जिसमें कहा ये गया है कि 5 उम्रिया थाना प्रभारी सिद्धार्थ राय, चूंकि उनका निवास माधव थाने के पीछे ही है, तो उसके यहाँ जो काम करती थी भाई अंजना बर्मन, उसके ऊपर आरोप लगाया है। जैसा कि पीड़िता ने बताया कि उसके ऊपर आरोप लगा कि उसे 4 लाख रुपए और कुछ जेवर चोरी करने का आरोप, जिसके तहत उसको मारपीट की गई है। इस तरह का आरोप उस महिला ने लगाया है एक पान उमरिया के थाना प्रभारी के ऊपर। और चूंकि उसकी जो मारपीट की गई है माधवर थाने के अंदर मारपीट की गई है, इस तरह का आरोप लगाया है। उसकी स्थिति खराब होने पर, चूंकि मारपीट के बाद उसकी हो सकता है उसको ज्यादा मार पड़ी हो, जैसा कि वो जिला अस्पताल भर्ती इलाजरत है, इस तरह का आरोप लगाया गया है। वहीं जाहिद, अगर बात करें जिस तरीके से थाना प्रभारी सिद्धार्थ रॉय के घर पर ये चोरी की घटना का मामला सामने आया है, तो क्या लगता है महिला के बयान सामने आने के बाद किस तरीके की कार्यवाही इस मामले में हो सकती है? फिलहाल अभी इसमें किसी बड़े अधिकारी से बात करना का प्रयास तो किया गया, पर किसी अधिकारी ने अभी बाइट अपना वर्जन नहीं दिया, बयान नहीं दिया है। और हम हालांकि बयान देने से बच भी रहे हैं, पर देखा ये जाए उससे अभी जानकारी जो मिल रही है, अपडेट की बात करें कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने शायद कोई टीम गठन किया है जिसकी जांच के लिए उन्होंने किसी को नॉमिनेट किया है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। पूरा मामला जांच के बाद ही सामने हो सकेगा कि एक्चुअल घटना घटी थी क्या, चोरी का जो आरोप लगा रही महिला और जो उसके साथ मारपीट की गई है, वो तमाम आरोपों की जांच के बाद रिपोर्ट आने पर ही खुलासा हो सकेगा। फिलहाल अभी किसी अधिकारी ने इस बात पे अभी बयान नहीं दिया है। वहीं जाहिद, अगर बात करें तो महिला का बयान भी सामने आ गया है और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं कि महिला के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया है और मारपीट की गई है, तो अभी के हालात की अगर बात करें तो महिला किस स्थिति में है? बात करें महिला की, वो जिला अस्पताल में भर्ती है, पर अभी उसका न हमारा न्यूज चैनल NKN इस बात की पुष्टि करता है, न हम इस बात की पुष्टि करते हैं। ये महिला पीड़िता का आरोप है, अभी हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकते, ना इसको सिर्फ हम आरोप के आधार पे ये बात कर सकते हैं कि उसमें पीड़िता ने इस तरह का आरोप लगाए हैं एक पुलिस थाना प्रभारी के ऊपर, जो कि ये मामले जांच में लिया गया है।
अब किस तरह का पूरा घटना है, आरोप मारपीट का जो मामला है, महिला के साथ जो मारपीट की गई है, और जिस तरह का उसने बताया कि उसके पैरों में अंदरूनी चोटें भी आई हैं और पीठ पे चोट है, तमाम तरह की जो चोटों का आरोप लगाया है शारीरिक रूप से, वो बता रही मैं कभी विक्षिप्त हो चुकी हूँ और कमजोरी महसूस कर रही हूँ, खाने से सुनाई दे रहा, इन तरह के तमाम आरोपों का मामला अभी जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा, अभी देखना होगा कि इसमें जांच के बाद क्या मामला निकल कर आता। ठीक है जाहिद हुसैन सिद्दीकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये कटनी से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर चोरी के मामले के चलते एक महिला के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई, साथ ही महिला का भी बयान सामने आ चुका है और वो थाना प्रभारी सिद्धार्थ रॉय पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं।